पिछले हफ्ते अभी मोदी सरनेम का जो केस था उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और अब उसके बाद उनको उनका यानी राहुल गांधी का सरकारी बंगला भी खाली करने का नोटिस आ गया है। लेकिन अब मोदी जी से जुड़ा ही एक और मामला सामने आया है। ये मामला सरनेम का तो नहीं लेकिन ये मामला मोदी जी के पोस्टर का ज़रूर है। यहाँ पर एक विधायक जी हैं, उन्होंने मोदी जी का पोस्टर फाड़ दिया था। अब इस मामले में भी उनको सज़ा सुनाई गई है, हालांकि वो सज़ा इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी राहुल गांधी को मिली, लेकिन उनकी भी सज़ा थोड़ा सा खास है। मैं अब आगे आपको बताऊंगा कि पूरी रिपोर्ट क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेंद्र बहादुर मौर्य। गुजरात के नवसारी की एक अदालत ने गुजरात कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ने के मामले में कांग्रेस विधायक पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 2017 के एक मामले में ये कार्रवाई की है। कांग्रेसी विधायक अनंत पटेल पर आरोप है कि उन्होंने एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में प्रवेश कर छात्रों के विरोध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ी थी। इसी मामले में गुजरात के नवसारी की एक अदालत ने विधायक के खिलाफ फैसला सुनाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट V.A. धदल की अदालत ने वसंदा अनुसूचित जाति सीट से विधायक पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत आपराधिक अत्याचार के लिए दोषी पाया है। बता दें कि मई 2017 में जलालपुर पुलिस द्वारा विधायक अनंत पटेल और युवा कांग्रेस के सदस्यों सहित 6 अन्य पर IPC की धारा 143 गैरकानूनी विधानसभा, 353 हमला, 427 शरारत से 50 रुपये से ऊपर की हानि, 447 आपराधिक अतिचार और 504 जानबूझकर अपमान के तहत मामला दर्ज किया था। अनंत पटेल और अन्य एक छात्र पर भी विरोध के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में प्रवेश कर अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करने और VC की मेज पर रखे PM मोदी की तस्वीर को फाड़ने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने 3 अभियुक्तों को आपराधिक अतिचार का दोषी पाया और उन्हें 99 रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया, जिसे नहीं देने पर उन्हें 7 दिनों की साधारण कारावास का सामना करना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष ने अनंत पटेल के लिए IPC धारा 447 के तहत अधिकतम सजा की मांग की है, जिसमें 3 महीने तक की जेल और 500 रुपये का जुर्माना है। हालांकि दावा किया है कि प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है क्योंकि आरोपी कांग्रेस के सदस्य हैं।